हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण। आज हम आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन बताएंगे। तटस्थ वक्र पर सर्वप्रथम विचार अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 यानी कि 1881 में किया, परंतु इस विचार को विकसित करने का श्रेय परेटो को है, जिन्होंने 1906 में अपने एक लेख में इस विचार को विकसित करने का प्रयास किया। 1915 में सिलस्की ने तटस्थ वक्र प्रवृत्ति में सुधार किया, परंतु तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप 1934 में प्रोफेसर हिक्स तथा आर जी डी एलन ने अपने संयुक्त लेख ए रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में दिया। बाद में सन 1939 में अर्थशास्त्री जे आर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल में तटस्थता वक्रों का विवेचन बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया। उसके बाद यह विश्लेषण उपभोक्ता व्यवहार को स्पष्ट करने का एक आवश्यक उपकरण बन चुका है। तटस्थता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात तटस्थता वक्र पर अंकित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले दो वस्तुओं के अनेक संयोगों को व्यक्त करता है। सभी संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता किसी विशेष के चुनाव में रुचि नहीं व्यक्त करता, अर्थात तटस्थ रहता है। यही कारण है कि तटस्थ वक्रों को सम संतुष्टि वक्र यानी कि ISO यूटिलिटी कर्व्स भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस आती हैं, तो सुनिए डेफिनेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र की परिभाषाएँ। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू जे के स्थम, इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज बिटवीन विच द इंडिविजुअल्स आर इंडिफरेंट, सो इट इज टर्म्ड आर इंडिफरेंस कर्व। मतलब अब हिंदी में सुनिए इसको, जे के स्थम के अनुसार यह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिनमें व्यक्ति तटस्थ होता है, इसी कारण इसे तटस्थ वक्र कहते हैं। सेकंड है अकॉर्डिंग टू वॉटसन, एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज द लिस्ट बीइंग सो अरेंज्ड दैट अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टू द कॉम्बिनेशन प्रेफरिंग नन ऑफ देम टू एनी ऑफ द अदर। मतलब वाटसन के अनुसार तटस्थता सारणी दो वस्तुओं के ऐसे संयोग की एक सूची है जिसमें सूची को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है तथा किसी भी संयोग का चुनाव अन्य संयोगों के स्थान पर नहीं करता। अब सुनिए आगे, अब आता है इंडिफरेंस कर्व मतलब तटस्थता वक्र। इसमें सुनिए, तटस्थता वक्र तटस्थता सूची का चित्रण करता है। इस टेबल में जो दे रखा है इंडिफरेंस शेड्यूल, नीचे टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शंस, कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई और एप्पल्स दे रखे हैं, ऑरेंज दे रखे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ए का 1 एप्पल है, ऑरेंज 22 हैं, फिर बी में 2 एप्पल्स हैं, 14 ऑरेंजेस हैं, सी कॉम्बिनेशन में 3 एप्पल्स हैं, 10 ऑरेंजेस हैं, डी कॉम्बिनेशन में 4 एप्पल्स हैं, 8 ऑरेंजेस हैं, ई कॉम्बिनेशन में 5 एप्पल्स हैं, 7 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब सुनिए इसको, देखिए इस चित्र में, देखिए इस चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस चित्र में एक ओ एक्स अक्ष पर सेव की इकाइयाँ प्रदर्शित की गई हैं, ये एप्पल्स की हैं, और ओ वाई अक्ष पर बाई साइड में
ऑरेंज की इकाइयाँ मतलब संतरे की इकाइयाँ प्रदर्शित की गई हैं। इसमें ए बी सी डी और ई बिंदु सेब व संतरों के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करते हैं। ए बिंदु पर 22 संतरे और एक सेब, 22 संतरे और एक सेब से उसे जितनी संतुष्टि मिलेगी उतनी ही बी बिंदु पर 14 संतरे और दो सेबों को प्राप्त करने पर मिलेगी, अथवा सी बिंदु पर 10 संतरे और 3 सेबों से तथा डी बिंदु पर 8 संतरे और 4 सेबों से मिलेगी। इसी प्रकार ई बिंदु पर 7 संतरों से 5 सेबों से और 5 सेबों से मिलेगी। यदि हम ए बी सी डी ई बिंदुओं को जोड़ दें तो आई सी पर तटस्थ वक्र मिल जाता है। वो आगे देखिए हमने इसको इसमें जोड़ दिया, ए बी सी डी ई को जोड़ दें तो किस पर प्रदर्शित हो जाता है, आई सी पर तटस्थ वक्र मिल जाता है। इस वक्र पर जितने बिंदु हैं वे सेवों और संतरों के संयोगों को प्रकट करते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं और जिनके मध्य उपभोक्ता तटस्थ रहता है। अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। सुनिए, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई एम आर एस एक्स वाई इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाई द कंज्यूमर इज जस्ट विलिंग टू गिव अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स एंड मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब तटस्थ वक्र विश्लेषण सीमांत प्रतिस्थापन दर पर आधारित है, जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने को तैयार हो जाता है उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा होगी जो x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए घटाई जाती है जिससे कि उपभोक्ता का संतोष पहले के ही समान बना रहे। उदाहरण के लिए यदि उपभोक्ता सेव x की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए संतरे की 6 इकाइयों का त्याग करता है, अर्थात एक सेब के लिए 6 संतरों का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन करता है तो यह कहा जाएगा कि सब सेब से प्राप्त संतुष्टि 6 संतरों के बराबर है। संतरे की सेबों के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर 6:1 है। इसका जो फॉर्मूला है, डिक्रीज इन द एम आर एस बराबर डिक्रीज इन द कंज्यूमर ऑफ वाई अपॉन इंक्रीज इन द कंज्यूमशन ऑफ एक्स इक्वल माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आगे सुनिए, अब आता है डिमिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब सीमांत प्रतिस्थापन घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो इसमें सबसे पहले जो रखा है कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, एप्पल से रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऑरेंजेस 22, फिर 14, 10, 8, 7। एम आर एस में देखिए पहले में तो डैश आएगा, दूसरे में 8:1 मतलब 8:1, फिर 4:1, 2:1 और फिर 1:1। ठीक है, इसमें सुनिए, एज द कंज्यूमर इंक्रीज द कंज्यूमशन ऑफ एप्पल्स देन फॉर गेटिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल्स ही विल गिव अप लेस एंड लेस ऑफ ऑरेंजेस दैट इज 8:1, 4:1, 2:1 और 1:1 रेस्पेक्टिवली। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिशिंग, ये लॉ ऑफ डिमिशिंग कहलाता है। मतलब इस सारणी से ज्ञात होता है कि उपभोक्ता दूसरे सेब के लिए उपभोक्ता जो है दूसरे सेब के लिए आठ संतरे और तीसरे सेब के लिए 4 संतरे, चौथे सेब के लिए 2 संतरे तथा पांचवें सेब के लिए 1 संतरा प्रतिस्थापित करेगा। अर्थात उपभोक्ता जैसे जैसे सेबों की अधिक संख्या लेता है संतरों की सेबों के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर कम होती जाएगी। आगे देखिए, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है, इस चित्र से ज्ञात होता है कि जब उपभोक्ता ए से बी बिंदु की ओर जाता है तो वह सेब की एक अतिरिक्त इकाई के लिए 8 संतरों का त्याग करता है। इस परिस्थिति में उपभोक्ता की सेब के लिए प्रतिस्थापन दर
8 अनुपात 1 होगी, 8:1। इसी प्रकार जब वह बी से सी बिंदु की ओर जाता है तो सेब की एक अतिरिक्त इकाई के बदले में 4 ही संतरों का त्याग करने को तैयार है, अर्थात उसकी प्रतिस्थापन दर 4:1 यानी कि 4:1 है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जैसे जैसे सेवों के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए वह क्रमशः कम संतरों का त्याग करता है, अर्थात प्रतिस्थापन दर 8:1 मतलब से 4:1, फिर 4:1 से 2:1 तथा अंत में 1:1 हो जाती है। इसे घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब तटस्थ वक्रों की प्रकृति अथवा विशेषताएं। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट है, एंड डिफरेंस कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, आई इट स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब तटस्थ वक्र ऋणात्मक होती हैं, अर्थात बाएं से मतलब अर्थात दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकेगा दाई तरफ। इसमें सुनिए, तटस्थ वक्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट हाथ नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं, अर्थात उनका ढाल नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्लोप। इसका कारण यह है कि जब वह उपभोक्ता एक वस्तु एक्स की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है तब उसे दूसरी वस्तु वाई की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर पूर्ववत ही बना रहे, मतलब पहले की तरह बना रहे। नंबर सेकंड है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड MRS बिटवीन टू गुड डिक्रीजेस एज अ कंज्यूमर मूव अलोंग एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन If MRS is constant and L-shaped in case of complementary, मतलब तटस्थ वक्र की दूसरी विशेषता यह है कि वह मूल बिंदु O की ओर उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। तटस्थ वक्र की यह विशेषता घटते सीमांत प्रतिस्थापन की दर की मान्यता पर आधारित है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति X वस्तु की अधिक मात्रा लेता जाता है तो Y वस्तु के स्थान पर X को स्थानापन्न करने की दर घटती जाती है। नंबर थर्ड है, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट और विकम टेंजेंट टू ईच अदर, मतलब दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दिस विल वायलेट द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी बिकॉज ऑन IC1 ए इज इक्वलिटी प्रेफर्ड टू बी एंड ऑन IC2 ए इज इक्वली प्रेफर्ड टू सी। दिस एम्प्लाइज बी इज इक्वली प्रेफर्ड टू सी विच कैन नॉट बी बिकॉज मोर इज ऑलवेज प्रेफर टू लेस। अलग अलग तटस्थ वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को व्यक्त करता है, अतः वे एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदु वाले ओवेनिश बिंदु पर संतुष्टि स्तर समान हो जाएगा जो कि संभव नहीं है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। इस चित्र में दो तटस्थ वक्र IC1 और IC2 एक दूसरे को टी बिंदु पर, एक दूसरे को किस पर बिंदु पर काट रहे हैं, ए बिंदु पर काट रहे हैं, दिखाए गए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।